बीपीएससी विशेष कड़ी कर रहे हैं हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो तो हम लोग हर सीरीज में करते हैं। आज हम लोग संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और संविधान का एक टॉपिक है जो जनरली हम लोग भूल जाते हैं, संविधान के स्रोत को लेकर। संविधान के स्रोत का अर्थ है किस देश से कौन सा चीज़ लिया गया है, तो ये हम लोग जनरली भूल जाते हैं, जिसे आज मैं आपको बहुत आसानी से कराऊंगा। बहुत शानदार सा ट्रिक है, और उस ट्रिक के बाद आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में जो एक या दो नंबर के प्रश्न संविधान से बनते हैं स्रोत से, वो आपका कन्फर्म्ड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत, और उसको अच्छे से याद करने का जो ट्रिक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका को हम लोग साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं, ये आपको याद रहेगा। फिर क्या है, अफ्रीका में एक शब्द मिल रहा है फ्री, इस फ्री को ना फेरी समझ लीजिए, फ्री इज इक्वल टू फेरी, फेरी मीन्स फेर बदल करना। तो जो संशोधन है वो क्या है, संविधान में फेरबदल है, लिया कहाँ से गया है, फेरी से, इस फेरी से बन गया फ्री, यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा है जापान, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था के बारे में बताता है। अब इस जापान शब्द में ना आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड आपको मिलेगा, एक मिनट, हाँ एक वर्ड आपको मिलेगा पान, बस इस पान शब्द को याद रखना है और आपको याद हो जाएगा जापान से संविधान को क्या क्या मिला। पान जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना उसको, पान को लगाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसको कई बार पान के ऊपर मसाले वगैरह को रख के रगड़ा जाता है, और एट द एंड जब वो लोग मोड़ के देते हैं ना तो उसमें एक बीड़ा टाइप का, खाने के बाद जो लकड़ी टाइप का होता है उसमें छेद करके देते हैं हमें। तो जापान से याद रखिएगा, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा छेद व्यवस्था यानी अनुच्छेद व्यवस्था, ये दोनों जापान से लिया गया है, तो ये भी याद रहेगा। तीसरा है रूस, रूस में है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। आप ऐसे देखेंगे जनरली एक आदमी को, तो कोई भी आदमी जो है वो मौलिक अधिकार तो लेना चाहता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का बात आए तो वो उसको करने में डिनाई करता है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हम लोगों के हर एक रिलेशन के साथ एक कर्तव्य है, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, है ना। जब हम वो पुत्र वाला कर्तव्य नहीं पूरा करते हैं तो पिता हमसे रूठ जाते हैं, यानी कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो रूठ जाएंगे। कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगला है आयरलैंड, और आयरलैंड से तीन चीज़ लिया गया है, एक तो नीति निदेशक सिद्धांत जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन लिया गया है। ठीक है, आप आयरलैंड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शब्द है आई मीन्स आँख, और एक लैंड, ये दो आपको याद रखना है। नीति जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, नीति यानी निंद, निंद का निर्देशक देने का काम आई करता है, आँख ही बताता है कि निंद आ रहा है ना, तो निंद को निर्देशित करने का काम आँख करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति जो पद है ना, राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत विशिष्ट पद है, और जब कोई विशिष्ट व्यक्ति का बात होता है आने जाने का तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, वो लैंड किए हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का बात हो या राष्ट्रपति किसी को चुने, ये दोनों ही लैंड करने वाले लोग होते हैं, जो इसलिए एक शब्द हमको आयर याद रखना है जो आई बना, और एक शब्द लैंड याद रखना है जो ये दिखा रहा है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वो भी विशिष्ट व्यक्ति होंगे, और राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करेंगे वो भी विशिष्ट व्यक्ति होंगे, और दोनों ही आएंगे, आना मीन्स लैंड करना। तो आयरलैंड से एक तो आई फॉर निंद, लैंड फी मीन्स आना, विशिष्ट व्यक्ति का आना, तो आयरलैंड से ये याद रहेगा, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति, इनको हम लोग पढ़ते हैं आयरलैंड में। अगला पढ़ते हैं जर्मनी। अब इसमें क्या करना है ना, जर्मनी शब्द में आपको दो शब्द दिख रहा है, एक तो जर और एक मनी, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, मनी का जलना, भोजपुरी में जर बोलते हैं ना, मनी का जलना। तो जब मनी नहीं रहेगा आपके पास, पैसा नहीं रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, तो क्या डिक्लेयर होगा, आपातकाल।
और आपके पास मनी नहीं है ना, तो आप जो फंडामेंटल चीज आपको चाहिए वो भी आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आपातकाल का प्रावधान भी जर्मनी में है और मूल अधिकारों का निलंबन ये भी जर्मनी में है। जर्मनी के मनी को याद रखना है, मनी अगर जर जाएगा तो एक तो आपके यहाँ आपातकाल आ जाएगा और दूसरा मनी आपके पास नहीं रहेगा, वो जर गया है तो आपका जो फंडामेंटल राइट है वो भी बाधित होने लगता है। फंडामेंटल राइट की भी लोग इज्जत नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि बहुत आसानी से अब आपको याद रह जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का फेरी, जापान का पान, रूस का रूट, आयरलैंड का आई और लैंड, जर्मनी का मनी का जलना। तो इससे बहुत आसानी से आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और महान्यायवादी का पद। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटेन के लोग जो है ये खुद को बहुत महान बताते थे, ब्रिटेन मानते थे कि हम बहुत महान हैं। तो महान से महान्यायवादी पद आता है, ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, इंग्लैंड से हम लोग अगर सोचते हैं तो इंग्लैंड से ना आपको इंग्लैंड का इंगल को इकल कर दीजिए, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता, फिर क्या इकल से ही बना है आपको शासन प्रणाली वाला व्यवस्था। जैसे इंग्लैंड वाले लोग यहाँ रहे तो संसदात्मक शासन प्रणाली थी, और जो लोग ईगल होता है बहुत तेज होता है वही लोग विधि निर्माण भी करता है, ठीक है। नियम बनाना, एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली और ब्रिटेन के लोग अपने आप को महान बता रहे थे, तो महान्यायवादी का पद, ये चारों हमें ब्रिटेन से मिला है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको महान में दो याद रखना है, एक तो ब्रिटेन के लोग उस समय अपने आप को महान समझते थे और अभी अमेरिका के लोग खुद को महान समझते हैं। तो अमेरिका वाला भी मैं आपको वैसे ही याद कराऊंगा, लेकिन अमेरिका वाले जो लोग महान है वो लोग अभी अमीरी के कारण महान है, उनके पास पैसा है इसलिए वो महान है, या अमेरिका में अमीरी शब्द है वो मैं आपको कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब अमेरिका के से क्या क्या हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है जब उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें कराऊंगा ये। आगे आते हैं, नीचे है फ्रांस, तो फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये चार शब्द हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। देखिए, इसमें फ्रांस को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप फ्रांस को दो पार्ट में बांट लीजिए, एक आप फ्रांस को बना दीजिए फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं करना है आपको, फ्रांस को फ्रेंड्स उच्चारण करना है। तो जहां फ्रेंड होगा तो फ्रेंड का हिंदी ही बंधुत्व होता है, फ्रेंड लोग इक्वली रहते हैं, समान रहेंगे, और दोस्ती ऐसा रिलेशन है जो बाद में शादी विवाह ऐसे रिलेशन में बंधना नहीं है, तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भी होते हैं। और फिर फ्रेंडशिप में क्या होता है, कोई कितना भी बड़ा अमीर घर का हो या गरीब घर का हो, सभी लोग के मर्जी से चलता है, मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसमें एक डिसीजन इस आधार पर नहीं होता है कि कोई अमीर घर का लड़का है तो उसका डिसीजन माना जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स में गणराज्य देखने को मिलता है, समानता देखने को मिलता है, स्वतंत्रता होता है, और फ्रेंड्स का मीनिंग ही बंधुत्व होता है। फ्रांस, फ्रांस ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांस से हम लोग फ्रेंड्स याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया को, देखिए ऑस्ट्रेलिया शब्द के उच्चारण से ही ना हम लोग के दिमाग में जो चित्र बनता है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का पहले बनता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास सभी वर्ल्ड कप है, मीन्स टेस्ट का भी चैंपियनशिप है उनके पास, T20 का भी, और वनडे में तो वो लोग जीते ही हैं। तो एक याद रखिएगा कि ये लोग तीनों सूची में आते हैं, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों में ग्रेट में आते हैं, यानी समवर्ती सूची, तीनों में एक समान है ये लोग, तो ऑस्ट्रेलिया से आया समवर्ती सूची, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से ही आया केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अब यहाँ एक और वर्ड समझना है, एक तो आप क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया को समझ गए, अब आप ऑस्ट्रेलिया को ना ऑस्ट्रे को अस्त्र समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलिए, ऑस्ट्रेलिया, फिर ये याद हो जाएगा। जिसके पास अस्त्र रहता है वो शक्तियों को विभाजित करता है, ठीक है। जिसके पास अस्त्र है उसके पास विशेष अधिकार है, यानी कि संसदीय विशेष अधिकार। फिर जिसके पास अस्त्र है वो क्या करता है, मामला को सॉर्ट आउट कराने के लिए दोनों पक्ष को बिठा के बात कर सकता है, संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और जिसके पास अस्त्र रहता है ना उसके भाषा को लोग प्रस्तावित समझते हैं, मतलब उसके प्रस्तावित को लोग मानते हैं, उसके प्रस्तावना को मानते हैं, तो अस्त्र से प्रस्तावना बना। यानी ऑस्ट्रेलिया से दो फिगर बनाना है, एक अस्त्र का और एक
क्रिकेट का, तो समवर्ती सूची बाकी सब अस्त्र वाले से हम लोग कर सकते हैं। दो और देश हम लोग का बच गया, अमेरिका और कनाडा, इनको अभी कवर करेंगे। आते हैं अमेरिका पर, तो अमेरिका का पहला तीन वर्ड ही आपको सारा याद करा देगा। अमेरिका मीन्स अमीर व्यक्ति। अब अमीर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, अमीर व्यक्ति के पास अधिकार होता है, यानी मौलिक अधिकार उसके पास है। अमीर व्यक्ति अपने समाज में सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता है। अमीर व्यक्ति जिसे चाहे उसे निर्वाचित कर सकता है, तो निर्वाचन राष्ट्रपति का महाभियोग ये भी यहाँ से लिया गया है। अमीर व्यक्ति प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिल्मों में हम लोग ऐसा देखते हैं और कहीं कहीं से न्यूज़ भी मिल जाते हैं। अमीर व्यक्ति न्यायालय पर भी फ्री रहता है, न्यायपालिका के बंधन से भी आज़ाद हो जाता है जल्दी। फिर क्या है, अमीर के पास इतनी पावर है कि वो जिसे चाहे उसे सत्ता पे रखे, जिसे चाहे उसे हटा दे। अब ये लोग तो लोकतंत्र से चुने गए लोगों को हटा नहीं सकते अमीर लोग, लेकिन हाँ ये लोग बड़े बड़े पोस्ट के लोगों को हटा सकते हैं, जैसे कि CJI, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इन लोगों को हटाने की जो विधि है, यानी महाभियोग, अमेरिका से लिया गया है। अब मान लीजिए कि अमीर लोग नहीं रहे तो क्या होगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि एक अमीर व्यक्ति है तो वो प्रस्तावित चीज़ें रख सकता है। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ अस्त्र वाले में मैंने बताया था कि जिसके पास अस्त्र है ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके प्रस्तावित भाषा को समझा जाता है। अमीर लोग प्रस्तावना रखते हैं, तो अमीर प्रस्तावना रखेंगे, अमेरिका से प्रस्तावना आया और ऑस्ट्रेलिया से उसके भाषा को लिया गया, ठीक है। तो अमेरिका से प्रस्तावना, फिर क्या, मूल अधिकार, फिर ये लोग मौलिक पुनर्वलोकन भी कर सकते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं ना, जब खुद हारने के लिए आएंगे तो जो मौलिक अधिकार वाला चीज है या कोई भी ऐसा डिसीजन है उसको रिव्यू करा लेंगे। तो मौलिक पुनरावलोकन, इनका समाज में सर्वोच्चता होता है, न्यायालय पर स्वतंत्रता होता है, महाअभियोग ये लोग लेकर के आए हैं। इसके बाद वित्तीय आपातकाल, मीन्स अमीर लोग ही मर गए फिर क्या होगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अमीर लोग क्या करते हैं, खुद एक डिसीजन लेते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति को नेमिंग के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में रखते हैं। तो वहीं उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। और सबसे सर्वोच्च होते हैं, तो कई बार आप गांव वगैरह में देखेंगे ना, पंचायती वगैरह में ये अमीर लोग ही जाकर के डिसीजन कर देते हैं। तो ये लोग सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। मुझे लगता है बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय में स्वतंत्रता, महाअभियोग, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अब हमारा लास्ट देश बचा कनाडा, ठीक है। कनाडा में ना हम लोग थोड़ा सा शब्द को तोड़ेंगे, एक लेते हैं काना, काना मीन्स होता है ना आँख से जो होता है काना, और फिर अड्डा, इस दो शब्द को लेते हैं। देखिए, कहीं पे भी अड्डा कौन लोग लगाते हैं, जो लोग संघ में रहते हैं, मतलब कुछ लोग संघ में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो वो अड्डा मारना हो गया, है ना। अड्डा का मतलब कुछ लोग संघ में रह रहे हैं, तो संघात्मक विशेषता ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिएगा, ये लोग जो लोग काने हैं, जिनका आँख, मान लीजिए एक आँख खराब है, तो उन लोगों को क्या है, कुछ एग्जाम में ना अवशिष्ट शक्ति उन लोग को दे दिया गया है। तो जो अवशिष्ट शक्ति है वो कनाडा के पास है। फिर क्या, ये लोग जो लोग काना लोग होते हैं ना, ये लोग अपने लिए किसी को पाल के रखते हैं जो इनके यहाँ काम करता है, मीन्स आँख से काना है, कम दिखता है, तो एक आदमी को पाल के रखे हैं जो उनके आँख का काम करेगा, यानी राज्यपाल, ये कनाडा से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। कनाडा मीन्स काना व्यक्ति, और अड्डा, अड्डा से संरचनात्मक विशेषता, काना से अवशिष्ट शक्ति, और काना से ही राज्यपाल की नियुक्ति, ये है। और इससे आपको प्रायः प्रश्न बन जाते हैं। ये एक रिक्वेस्ट भी था कि संविधान के स्रोत जो है वो याद नहीं हो पाते हैं, तो इसको कुछ ऐसा ट्रिक से करा दिया जाए कि याद हो जाएगा। अब मैं ना थोड़ा थोड़ा नाम लूँगा और देखिएगा आपको चीज़ें याद होने लगेगी। अमेरिका का अमीर, जितने चित्र बने वो सब अमीर के लिए है। देन कनाडा, इसके भी आपको चित्र बन गए होंगे, काना व्यक्ति, अड्डा। ऑस्ट्रेलिया,
अस्त्र से जो काम किया जाता है वो। तो ये इस वीडियो में मेरा प्रयास था कि मैं चीज़ों को आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, जहाँ आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आऊँगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SSX, CTET का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।